नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा चेक्स की शर्ट कैसे काटी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। आज हम चेक्स की शर्ट काटेंगे। ये इसकी खड़ी धारियां हैं और ये आड़ी धारियां हैं। हम चेक्स के ऊपर चेक्स रख लेंगे बिल्कुल। ये हमारा चेक्स है, इसी के ऊपर हमें बिल्कुल रख के इस तरीके से, और इधर किनारी मिलाने से हमारे खड़ा चेक भी मिल जाएगा। इस तरह से हम इस चेक को मिला लेंगे और यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे कि हमारी धारी मिली हुई है कि नहीं। ये हमारी धारी मिली हुई है बिल्कुल, और ये हमारी खड़ी धारी मिली हुई है। इसके बाद हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और लंबाई का निशान हमें लगाना है। यहाँ से 28 इंच लंबाई है, 1/2 28 हम ले लेंगे मार्जिन के साथ। ठीक, यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो गई और सामने से हमें छोड़ना होता है। इसको हमने 2 इंची छोड़ा है जिसमें हम प्लेट भी बना सकते हैं और प्लेन भी रख सकते हैं। 14 इंची इनका गला है, तो हम यहाँ से 2.5 इंच लेंगे और 2.5 इंची हम इसको नीचे से उतारेंगे और इस तरीके से शेप दे देंगे। यहाँ से हमें उतारना है 1.25 इंची। ठीक, यहाँ से हमें लेना है चेस्ट का चौथा हिस्सा। इनकी चेस्ट है 37.5, और 37.5 से हमें 1 इंच ऊपर लेना है। यहाँ से हमने चौथा हिस्सा ले लिया, यहाँ से ये चौथा हिस्सा हो जाएगा और इसके ऊपर हमें 1 इंची पर निशान लगाना है। ठीक, ये लंबाई का निशान हो गया। यहाँ से यहाँ तक चौथा हिस्सा लेने के बाद हमें 1 इंच ऊपर रखना है। यहाँ से हमें 1.25 इंची शोल्डर डाउन करना है। अब आता है शोल्डर, 17.5 इंची शोल्डर है। ये आपका 1.25 इंची, हम इसको यहाँ पर जो काज हम जहाँ बनाते हैं उस जगह को छोड़ करके हमें यहाँ से नापना है 17.5 इंची। हमारा शोल्डर होता है यहाँ से, इस जगह से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इसको मिला देंगे इस तरीके से, और इसको भी हम इस तरीके से मिला देंगे। ठीक, हमारी चेस्ट है 37.5, ये हमारा चौथा हिस्सा हो गया यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। चेस्ट का चौथा हिस्सा हमें लेना है, उसके बाद हमें लूजिंग के हिसाब से आगे लूजिंग रखनी है। अगर हम टाइट फिटिंग चाहते हैं तो 1.5 इंच की लूजिंग रखनी है, नॉर्मल फिटिंग चाहते हैं तो 2 इंच की रखनी है,
और ज़्यादा लूज रखना चाहते हैं तो हम 225 रख सकते हैं। हम इनकी जो शर्ट की लूजिंग रखेंगे 1.25 इंची रख रहे हैं, ठीक। और इसको हमें शेप देनी है 1/2 इंची अंदर खड्डा देते हुए इस जगह से, इस तरीके से हमें इसकी शेप देनी है। ठीक, इसका और इसका हमें आधा करना है। ये करीब 20 है तो 10 इंच इसका हाफ हो गया। इसके 2 इंच ऊपर हमें निशान लगाना है। इनका जो पेट है वो है 32, 32 का चौथा हिस्सा हमें लेना है 8, और इसकी लूजिंग हमने रखी है 1.25 इंची। यहाँ भी हमें 1.25 इंची ही रखना है। इनके हिप है 37, सैंतीस का चौथा हिस्सा लेना है 1.25, और 1.25 इंची की लूजिंग रखनी है। इस तरीके से हमें ये निशान लगाने हैं। उसके बाद इसको मिलाना है यहाँ से इस तरीके से, और हल्का सा यहाँ तक निशान दे करके हम शेप पट्टी को इस तरीके से शेप देंगे, ठीक। इस तरीके से जाएगा। अगर यहाँ ज़्यादा खड्डा आ जाता है तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा सामने का निशान। एक बार हम इसकी धारियाँ फिर चेक कर लेंगे इस तरीके से। नीचे से जो हमने सीधा निशान लगाया है इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं 1/2 इंच के आसपास। इस तरीके से हम जो फोल्ड करेंगे वो इस जगह पर करेंगे। ये हमारा सामना तैयार हो गया कट के। अब हम इस तरह से हम खड़ा चेक तो हमें मिला नहीं है, यहाँ से हम आड़ा चेक भी हम इसको मिला लेंगे, और उसके बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा चेस्ट का जो चौथा हिस्सा है वो आना चाहिए। ये हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा आ जाता है यहाँ से, यहाँ तक हमारा कपड़ा है नीचे का, उस पर ध्यान रखना है। यहाँ हम निशान लगा लेंगे। दूसरी चीज, हमने जो इसका हार मोल काटा है ये हमारा मार्जिन में दब जाएगा और यहाँ तक हमारा शोल्डर आ जाएगा। हम एक बार इसको ज़रूर नाप लेंगे इस तरीके से। ये हमारा 9.5 इंची आता है। यहाँ से हमें डाउन करना है, यहाँ से हमें लंबाई लेनी है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी चेस्ट है 37.5 हमारी चेस्ट है तो 37.5 का छठा हिस्सा हमें लेना है। ये आएगा हमारा 6.25 के आसपास, ठीक। 6×36 और 37 हो जाता है हमारा 37.5, हमारा 6.25 आ जाएगा। इसका हम आधा कर देंगे
इस तरीके से। इसका छठा हिस्सा लेकर के हम इसका हाफ कर देंगे और इस हिसाब से हमें यह निशान लगाना है। अब हम लेंगे इसकी लंबाई, 24.5 इंच की लंबाई है, ऊपर हम सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे और बिल्कुल 24.5 हम नापेंगे, ये हमारा 24.5 आ जाता है। इसके बाद हमें कफ लगाने होते हैं 2.5 इंची के, ये हमारे कफ आ जाएंगे 2.5 इंची के और ये कफ का मार्जिन आ जाएगा, हम इसको इस हिसाब से रखेंगे। ये जो स्लीव्स मैं काटना बता रहा हूँ ये खड़े कपड़े में है, कुछ लोग इस तरीके से भी काटते हैं, इसको इस तरीके से भी काटते हैं, अगर कपड़ा कम होता है तो वैसे भी काटा जा सकता है, लेकिन सही तरीका यही है। और शर्ट ऐसे ही कटनी चाहिए। इनका जो हम कफ रखेंगे वो रखेंगे 8.5 इंची का, तो 4.25 हम यहाँ से ले लेंगे, ये हो गया कफ का। इसके बाद हमें एक प्लेट डालनी है, तो 1 इंची हम प्लेट का ले लेंगे और ये हमारा मार्जिन, सिर्फ इतना ही हमें लेना है। और उसके बाद इस जगह से हमें यहाँ पर इस तरह से शेप दे देनी, ठीक। ये जो हम यहाँ से सीधी लाइन खींचते हैं इस तरीके से, इसको हम थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ये हिस्सा क्रॉस चला जाता है। अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं। ये तो हो गया हमारा लंबाई का निशान, यहाँ आता है तो यहाँ पर हम स्केल को रखेंगे और इसको यहाँ रख के हम इस तरीके से निशान लगा सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये हिस्सा हमारा क्रॉस जाता है, अगर थोड़ा बढ़ जाता है तो हम इसको बाद में काट सकते हैं। इस तरीके से हम इसको क्रॉस काटेंगे, इस तरीके से। अब हम इसका क्या करेंगे, इस तरीके से इसको शेप देंगे, पीछे की साइड में हम कम शेप देंगे, ठीक। यहाँ से इस तरीके से हमें शेप देनी होती है, ये करीब इसको हम 7 इंची का खड्डा दे रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पर हमने दिया है 4 इंची का। इस तरीके से हम इसको शेप दे देंगे, ठीक। ये हमारी आस्तीन हो गई। अब हमें बैक काटनी है। ये हमारा सामना है और इसकी हम धारी, ये हमने साइड की धारी इसकी मिली हुई है, उसी हिसाब से हम इसकी धारी के ऊपर धारी रख देंगे। इस जगह पर ये धारी इस जगह पर मिल जाएंगी, ठीक। एक सामना हम हटा सकते हैं इसका,
इस तरीके से हम इसकी धारी मिला देंगे और यहाँ से जहाँ हम काज बनाते हैं पौना इंच के आसपास होती है और नीचे भी हम इसको पौना इंच के आसपास इसकी जो फोल्ड हमने किया है बैक को उसको यहाँ रखेंगे हम इस जगह पर। ठीक, और इस तरीके से इनकी धारियाँ मिला देंगे हम। चेक्स में ज़्यादातर जो आड़ा चेक्स होता है उसमें एक आध सूत का फ़र्क आ जाता है कई बार, तो उसको बैलेंस करते हुए हमें काटना है ताकि ज़्यादा फर्क नज़र ना आए। इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। यहाँ से हम पौना इंची बैक की किनारी को रख लेंगे आगे बढ़ा करके सामने को इस तरीके से। इस तरीके से हम सामने को इसके ऊपर रख लेंगे। ये जो बैक की जो हमने फोल्ड किया है इसको पौना इंच ही सामने को आगे बढ़ाकर हम इस जगह पर रख लेंगे इस तरीके से। और यहाँ की धारी हम मिला लेंगे नीचे की भी इसकी भी और इस तरीके से देख लेंगे। चेक्स में कई बार फ़र्क होता है, एक दो सूत का फ़र्क हो जाता है तो उसको ठीक से एडजस्ट करना है ताकि वो ख़राब ना लगे। इस तरीके से देखिए इसके चेक्स में फ़र्क है। अगर हमने यहाँ से मिलाया है तो ये चेक्स यहाँ से हट गया है, एक सूत यहाँ से हट गया है, तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे क्योंकि यहाँ का चेक्स मिलाना इतना ज़रूरी नहीं है। हम ये चेक्स मिलाएंगे और यहाँ से जब हम सिलाई करेंगे तो थोड़ा खींच कर करेंगे, इस हिसाब से हम इसको काटेंगे। ठीक, अब क्या होता है बैक काटने का जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ये बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, इसमें आपको शोल्डर का अलग से कटिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसके साथ ही शोल्डर काटूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वो थोड़ा सा अगर हम बैक को सीधा काट देते हैं और उसके बाद में शोल्डर काटते हैं तो उसके हिसाब किताब में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अभी आसान तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से आप इसको 1.25 इंची ऊपर बढ़ा देंगे इस तरीके से और यहाँ से भी 1.25 इंची ऊपर बढ़ा देंगे। ठीक, ये हो गया। इसको हमने 2.5 इंची यहाँ से आगे बढ़ाया था, इस जगह से हमने इसको 2.5 इंची आगे बढ़ाया था। यहाँ भी हम इसका आधा करेंगे, 1.25 का आधा हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ से हम 2.5 इंची पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में हम इसको शेप दे देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब हम शोल्डर नाप लेंगे। 17.5 इनके शोल्डर थे, ये आपका 1.75 इंची पर 17.5 हो जाएगा और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा अंदर की साइड में शेप देते हुए हम इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। ठीक, इस तरीके से हम इसको काट देंगे इस तरीके से। ये हमारी बैक कट जाएगी इस तरीके से। ठीक, अब हमें इस पर तीरा लगाना है। ये बैक जब हम इसको बिछाएंगे ये बिल्कुल यहाँ पर आएगा और ये इस जगह पर आ जाएगा। ठीक, इस जगह पर ये जुड़ जाएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। अब हमें इसका शोल्डर काटना है। अब हमें शोल्डर कितना कैसा लगाना है, हम चाहें तो इस तरीके का भी शोल्डर लगा सकते हैं और सीधा चाहें तो सीधा लगा सकते हैं। अगर हम सीधा शोल्डर लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल सीधा शोल्डर लगा सकते हैं इस तरीके से।
अभी मैं आपको बताता हूँ शोल्डर कैसे काटना है। इसको हमने 1.5 इंची बढ़ाकर काटा है। यहाँ से यहाँ तक हमने 1.5 इंची बढ़ाकर काटा है। हमें इसका हाफ कर लेना है, 1 इंच एक सूत पर ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे। ये हमारा शोल्डर का सेंटर होगा। इसके बाद हमें जो शोल्डर काटना है ये हो गया 1 इंच एक सूत, और हमें शोल्डर लेना है 3 इंची का यहाँ से, ठीक। हम देख लेंगे कि हमारा शोल्डर है 17.5, तो ये इसमें आ जाएगा आराम से। इस तरीके से हम इसको, ये जो खड़ी धारियां हैं इनको बिल्कुल मिला लेंगे, ठीक। अब आता है हमारा जो आस्तीन है, इसका हम सेंटर कर लेंगे, ठीक। ये हमारा सामना हो गया, सामने की तरफ इससे ये चढ़ेगा, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहां रखेंगे हम इस तरीके से, अगर हम इस धारी पर रखते हैं तो हमारा शोल्डर नीचे की साइड में छोटा पड़ जाएगा, पीछे की साइड में, तो हम इसको इस जगह पर रखेंगे, ठीक। इसकी दोनों ऊपर नीचे की धारियां मिली हुई हैं, और एक निशान हम इस जगह पर लगा देंगे। ये हमारा शोल्डर का सेंटर है और ये हमारा स्लीव का सेंटर है, ठीक। ये हो गया। इसके बाद हमें शोल्डर लेना है 3 इंची का, तो 1 इंच एक सूत, तो ये ऊपर हो जाएगा। यहाँ से हमें लेना है 8, 8 दूनी 16, 17, 17.5, 9 इंची हम ले रहे हैं यहाँ से। ये हो गया। इसके ऊपर हम ले लेंगे 1 इंच एक सूत, और इसके बाद हम ले लेंगे 3 इंची, ठीक। तो ये हमारा इस तरीके से ये हो गया। ये हमारा सेंटर है और ये हमारा निशान है जहाँ हमारी धारी मिलानी है हमें। इसको हम यहाँ रख लेंगे इस जगह पर, ठीक। और इस तरीके से इसको बिल्कुल सीधा रखते हुए हम इसको इस तरीके से काट लेंगे। इसको हम बिल्कुल बराबर काट सकते हैं, और बाद में भी हम इसे काट सकते हैं अगर हम इसको सीधा काट लेते हैं, तो इस तरीके से हम इसको काट देंगे बराबर, ठीक। यहाँ से हम थोड़ा एक्स्ट्रा काट लेंगे ताकि बाद में हम इसको काट देंगे। ये हमारा शोल्डर कट जाता है।
इस तरीके से। ये हमारा शोल्डर कट जाएगा। हम इसे इस तरीके से जोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल सीधा जुड़ जाएगा यहाँ पर। ये हमारी आस्तीन है, ये इससे आगे की तरफ जुड़ेगा क्योंकि ये आगे की साइड है, तो ये बिल्कुल इस जगह पर आ जाएगा। इस तरीके से हमारी ये दो धारी है ये मिल जाएगी बिल्कुल। इसको जो जोड़ने का तरीका है, हम यहीं से शुरू करेंगे सिलाई। इसकी सिलाई हम इस साइड से जोड़ देंगे और इसकी इस साइड से जोड़ देंगे। हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे सिलाई जोड़ना, क्योंकि अगर यहाँ से जोड़ते हैं तो ये सिलाई, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये धारी मिल जाए, ये धारी हट सकती है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा काटते हैं। ये जो है बिल्कुल नाप का नहीं कटता, इसको हम एक एक पैर ज़्यादा काट लेते हैं ताकि एडजस्ट हो सके वो। क्योंकि ये अगर हम इसको नापते हैं तो ये देखिए, ये 10 इंची के, 10.25 इंची के आसपास आएगा। हमें ज़रूरत पड़ेगी 10.25 की, क्योंकि ये तो आ जाएगा हमारा 9.5 इंची। और उसके बाद में हम इसको जो खींच कर चढ़ाते हैं, थोड़ा नम आता है उस हिसाब से ही चढ़ेगा। कभी भी जो मुड्ढे का हार मोल है वो छोटा नहीं काटना चाहिए, उसको आप बड़ा ही काटें। क्योंकि अगर छोटा हो गया तो हम उसको बड़ा नहीं कर सकते, बड़े को हम छोटा कर सकते हैं। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको हम अलग से काट देंगे। सिर्फ यहीं से काटेंगे, नीचे से तो सिर्फ हम यहीं से उसको शेप देंगे। नीचे से तो हमने बिल्कुल सही एक्यूरेट काटा है, सिर्फ हम यहाँ से अगर कुछ बढ़ता है हम उसको काट देंगे। तो इस तरह से हम चेक्स की शर्ट को काट सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी आपने देखा चेक्स की शर्ट की कटिंग कैसे की जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट शर्ट, कोट जैकेट, टक्सीडो, ब्रीजेस, शेरवानी, कुर्ता पजामा, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।